Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। किता करा आइडिया रूप दीदी फोन क्यों नहीं चक रहे हूं? की करा समझ नहीं आ रहा। एक काम करना, मम्मी ही घरों बहार भेज देना, वरना अग ते हवा ना दोनों आमने सामने आ जाएंगे। की करा पर किदा बहार भेजा मम्मी? हेलो सर, मैनू तुहाडे नाल बहुत एक जरूरी काम है। हाँ युवराज पुत्र बोल। तुहानू याद है एक नवे प्रोजेक्ट दे सिलसिले च मिनिस्टर साहब मम्मी नू मिलना चाहुंदे सी? हाँ हाँ, वो मीटिंग तो अपनी कई दिनों तो पेंडिंग है। आपां पहला भी दो तीन बार फिक्स कर चुके हैं, पर ऐन मौके ते कोई ना कोई काम निकल गया ते आपां नू मीटिंग कैंसल करनी। कुछ भी करके तुसीं अज्ज वो मीटिंग फिक्स करा दो। ओ नहीं 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 नहीं, ऐन मौके ते कोई मीटिंग नहीं फिक्स हो सकती। सर तो पहले ही बहुत बिजी ने, नाले कई मीटिंगां लाइन ते ने, तेरे प्रोजेक्ट च अजे काफी टाइम है। मिनिस्टर साहब ने इस मीटिंग लिए कोई तैयारी भी नहीं की, मैं उन्होंने की जवाब दूंगा? सर प्लीज, तुसी किसी भी तरह करके मीटिंग फिक्स करा दो, मम्मी थोड़े दिन वास्ते शहर जा रहे ने। चलो कोई ना, जो आने वापस मैडम उदो मीटिंग करवा देंगे। सर मैं हजे एक बहुत बड़ी दिक्कत चा, प्लीज मीटिंग रख लो, ऐसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं तुहानू ना इस बारे कदे भी कुछ ना कहता। प्लीज मेरी गल नू समझो। चलो कोई ना युवराज पुत्र, जे तू इना कहना मैं करदा कुछ ना कुछ। ऐ करी बीरी जी नू फिर भेज दे मीटिंग करन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो मम्मी, मिनिस्टर साहब का मैसेज आया सी, वो तुहाडे नाल अपने एक नवे प्रोजेक्ट के सिलसिले च ना गल करना चाहते ने, तुसी हुणे ते हुणे घरों निकलो। ए एकदम मीटिंग किस तरह फिक्स हो गई? ओहो की पता है, प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होवे या फिर एदे विच कुछ नवा करन लगे हुण सरकार वल्लों। मम्मी मिनिस्टर साहब ने तुहाडे नाल गलबात करन लई बुलाया, तुसी जाओगे तां ही तां पता लगूगा ना कि उन्होंने यह मीटिंग रखी क्यों है। चल ठीक है मैं निकलदी हां। चुमकी ड्राइवर नूं कह छेती गड्डी कड्ढे। शुक्र है रब्बा, बहुत बहुत शुक्र है तेरा। सड़क आम लोगों के लिए है कि नहीं? थोड़े वर्गिया गड्डी तो खरीद लेंदे ने पर चलानी नहीं आती। वैसे मैं ना
तेरे वर्गे लोगों के मूँह लगना ही नहीं चाहती। पर तू भी एक गल याद रख, चलाना तो तेनों भी नहीं आता स्कूटर। किसी दूसरे नूं बोलन तो पहला ना अपने मंजे थले सोटा मार के देख। यह जिहड़ी सड़क है ना, यह आम लोगों के नाल ना साढ़े वर्गियां वास्ते भी। वैसे ठीक ही होया तेरे नाल, तू ऐसे लाइक। मेरे लायक जो होएगा ना वो तो मैं मिल ही जाएगा, पर तुसी तुसी जेल जान दे लायक हो ते वो तो मैं तुहानू भेज के जाऊंगी। बड़ी आकड़ है ना थोड़े च, जेल जाके तो चंगे चंगे दी आकड़ निकल जाती है। बस रब करे मेरे हाथ थोड़े खिलाफ सारे सबूत लग जान, ते जिस दिन सारे सबूत लग गए ना रब दिसो तुहानू मैं तां जेल दी चक्की पिसवाऊंगी। वाह भाई, चलाना तेनू नहीं आंदा, बैलेंस तेरा बिगड़िया। डिगी तू अपनी गलती ना ते उस दे लई जेल तू मैनू भेजेंगी। ते तू जड़ा मेरी गड्डी ते पत्थर मारिया ओदे लई सरकार तेनू कोई अवार्ड देगी? कि किसी दी गड्डी ते पत्थर मारना यह गैर कानूनी नहीं? तू पहला ना सड़कां ते स्कूटर चलाना सिख लै, फिर वड्डियां वड्डियां गल्लां करी। मैं भी देख दिया किन्ना दम है तेरे च। दम तो मेरे च बहुत है, दिल तो कर रहे इसे टाइम विखा दवा। बस थोड़ी उम्र का ना लिहाज कर रही हूं मैं। बस ऐसे लिए मैं थोड़े वर्गे लोगों के मूँह नहीं लगती। पता नहीं थोड़ी सोच कितों तक होवे, एवें लंघद टपद लोगों की गड्डिया के पत्थर मारने, यही तो थोड़े लोगों की सोच है। अंदरों बड़ी जलन हो रही है ना कि यह गड्डिया मैं खरीद तो सकती नहीं, तो फिर इन्हें गड्डिया के वट्टे मार के अपने दिल की सारी भड़ास कढ़ दा। क्यों ठीक है ना? मैं जे मैं भड़ास कढ़ी होंगी ना तो हूं तक का तुसी अपनिया खटारा चुके इतों की निकल जाना सी। जा जाके काम कर, मेरे को इन्ना टाइम नहीं है कि मैं तेरे मुंह दका, मैनू भी अपना काम करन दे। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।